Hi guys, this is Manoj Bagil, English language trainer and career coach. Today we are going to discuss a very powerful and very important topic that is called vocab. Without vocab, we cannot speak English fluently and effectively, right? So today we are going to learn some of idioms in vocab. Idioms means मुहावरे. अगर हम मुहावरे की बात करें तो मुहावरे वो हथियार है, वो ब्रह्मास्त्र है, जिससे हमारी इंग्लिश, जिससे हमारी भाषा और भी ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है एंड इम्प्रेसिव हो सकती है. हम लोगों के बीच में बहुत ही इम्प्रेसिव तरीके से बातचीत कर सकते हैं, राइट? तो ओवरऑल मेरी बात से आप समझ ही गए होंगे कि भाषा के अंदर हम मुहावरों का यूज करते हैं, यानी इडियम्स का यूज करते हैं, तो भाषा बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव हो सकती है. तो उन्हीं में से मैंने कुछ इडियम्स का सिलेक्शन किया है आपके लिए, जिसे हम आम बोलचाल में यूज भी करते हैं. अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में उन फ्रेजेस का यूज करेंगे, इडियम्स का यूज करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश जबरदस्त होने वाली है, राइट? तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी सीरीज में. मेरा पहला सेंटेंस है, आई एम गोइंग फॉर गुड. आई एम गोइंग फॉर गुड, तो आपको क्या समझ में आ रहा होगा? आई एम गोइंग फॉर गुड, मैं अच्छे के लिए जा रहा हूं, मैं किसी अच्छे काम के लिए जा रहा हूं, या मैं किसी शुभ काम के लिए जा रहा हूं. नहीं डियर स्टूडेंट्स, I'm going for good का मतलब होता है for good, मतलब हमेशा के लिए. तो मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं, right? I'm going for good to Mumbai, मैं मुंबई हमेशा के लिए जा रहा हूं. I'm going for good to America, मैं अमेरिका हमेशा के लिए जा रहा हूं, right? तो इस phrases का, इस idioms का use हम अपनी language में करेंगे. तो go for good मतलब हमेशा के लिए. अगर मैं किसी काम को हमेशा के लिए करने वाला हूं, मुझे बताना है I'm going to quit smoking for good, यानी मैं स्मोकिंग हमेशा के लिए छोड़ने वाला हूं. इन द सेम मैनर हम वो बुरी से बुरी आदत, वो हर काम के लिए जो हम हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं, हमेशा के लिए करने वाले हैं, उसके लिए हम फॉर गुड का यूज करना है, राइट? तो आई होप आप समझ गए होंगे और आप इसे आज से अपनी भाषा में शामिल कर लीजिए. फॉर गुड, आई एम गोइंग फॉर गुड, मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं. शी इज गोइंग फॉर गुड, वह हमेशा के लिए जा रहे हैं. We are going for good, हम हमेशा के लिए जा रहे हैं, राइट? ओके, एंड आई एम गोइंग टू लीव माई स्टडी फॉर गुड, मैं हमेशा के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ने वाला हूं, राइट? तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं. चलिए अगला आता है जस्ट इम्पॉसिबल. अब जस्ट इम्पॉसिबल की बात करते हैं, ये कैसा है? तो जस्ट इम्पॉसिबल, मान लीजिए एक लड़का है, राइट? और वो लड़का सही मायने में उतना अच्छा नहीं है किसी भी काम को करने में, राइट? तो जब भी टीचर कोई काम करने देती है तो वो काम बिगाड़ देता है. इसी तरह से पेरेंट्स घर में कुछ काम करने के लिए देते हैं तो वो काम बिगड़ जाता है, राइट? यानी कि वो लड़का किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाता, और जब बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाता तो पेरेंट्स या टीचर क्या कहते हैं, अबे तेरा कुछ नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे को इंग्लिश सीखने के लिए एक क्लास में भेजा गया, वो 3 महीने का कोर्स भी कर लिया, लेकिन वो अभी भी इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है. यानी कि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हमारी लाइफ में होते हैं, हम कहीं ना कहीं किसी भी चीज को सीखने के लिए एफर्ट डालते हैं, वो एफर्ट के बाद जब रिजल्ट नहीं आता तो हम बोलते हैं यार इससे नहीं हो सकता, इसका कुछ नहीं हो सकता. तो इसका कुछ नहीं हो सकता, ही इज जस्ट इम्पॉसिबल. तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, यू आर जस्ट इम्पॉसिबल. मेरा कुछ नहीं हो सकता, आई एम जस्ट इम्पॉसिबल. सो मेरा कुछ नहीं हो सकता, आई एम जस्ट इम्पॉसिबल. तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, यू आर जस्ट इम्पॉसिबल. उसका कुछ नहीं हो सकता, ही इज जस्ट इम्पॉसिबल. दैट मीन्स जस्ट इम्पॉसिबल का मतलब कुछ नहीं हो सकता, ये बेकार है, नकारा है, निकम्मा है, वो सारे वर्ड्स, राइट? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप अपनी इसे लैंग्वेज में शामिल कर लेंगे. एंड आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट आता है गुड फॉर नथिंग. अब ये पहले वाले से थोड़ा सा मिलता जुलता है, समझते हैं. तो मैंने क्या किया कि मैं एक व्यक्ति हूं अपने घर में और मैं किसी भी काम को करने के लिए जाता हूं, तो मेरा जो इंटेंशन है, मेरा जो भाव है, वो तो बड़े अच्छे हैं काम को करने के, लेकिन हमेशा काम बिगड़ जाता है, राइट? इन द सेम वे आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि कोई एक कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर हमेशा अच्छा करना चाहता है, बट कहीं ना कहीं वो काम अच्छा हो नहीं पाता, शायद किसी कॉन्स्पिरेसी की वजह से, यानी षड्यंत्र की वजह से, शायद कोई भी एनी रीजन हो. तो जब वो काम प्रॉपर नहीं हो पाता है तो वो कहता है कि आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं पनौती हूं. मैं जब भी किसी अच्छे काम को करने के लिए जाता हूं वो काम हमेशा बिगड़ जाता है. तो आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं पनौती हूं. यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम पनौती हो. वह है तो ही इज गुड फॉर नथिंग, लड़की है तो शी इज गुड फॉर नथिंग. तो कई बार ऐसा बोलते हैं, जब से ये लड़की घर में आई है तब से हमारा घर का सुख चैन चला गया है, जब से ऐसा हुआ है तो ये हो गया है, जब से ये आया है तो ऐसा हो गया है, राइट? तो गुड फॉर
नथिंग यानी पनौती, राइट। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आता हमारा ब्रेक द आइस। अब इस idioms को हम समझते हैं, ब्रेक द आइस, ब्रेक मतलब तोड़ना, ब्रेक, ओके। अब तोड़ने से हम याद रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम किसी फ्यूनरल में जाते हैं, किसी दाह संस्कार में जाते हैं और वहां पे सारे लोग बैठे हुए हैं, बड़ी शांति के साथ बैठे हुए हैं, कोई चीज से बातचीत नहीं कर रहा है, राइट। तो वहां पे अचानक से एक आवाज आती है, कोई बाहर से रोता हुआ आ रहा है, राइट। तो वो क्या हो गया, आवाज आना, यानी चुप्पी के माहौल में, शांति के माहौल में एक आवाज आना। इन द सेम मैनर मान लीजिए हम सारे के सारे कैंडिडेट हैं और सारे के सारे कैंडिडेट जॉब इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू के बाहर हॉल में बैठे हुए हैं, राइट, और एक ही करके इंटरव्यू चल रहा है। तो हम सारे लोग अपने अपनी जगह पर बैठे हुए हैं और सारे लोग शांत है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा और बड़े टेंशन में है। तो वहीं पे एक जो वहां का वॉचमैन है वो देखता है कि अरे ये तो सारे टेंशन में है, तो वो आकर के है ना वहां बातचीत करना शुरू कर देता है। तो इसे बोलेंगे ब्रेक द आइस, यानी चुप्पी को उसने तोड़ दिया, चुप भरा शांत माहौल था उसे क्या कर दिया, उसने तोड़ दिया। तो ब्रेक द आइस है ना, तो ब्रेक द आइस का मतलब ब्रेक द साइलेंस। तो मुझे बताना है आई, अगर मैं पास्ट की बात करूं तो आई ब्रेक का सेकंड फॉर्म हो जाएगा ब्रोक, आई ब्रोक द आइस, आई ब्रोक द आइस इन इंटरव्यू, आई ब्रोक द आइस एट माई होम, आई ब्रोक द आइस इन दैट मीटिंग। तो उस मीटिंग में सब लोग शांत हो गए, राइट, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, कोई अपना ओपिनियन दे पा रहा था, तो आई ब्रोक द आइस यानी मैंने वहां पे चुप्पी को तोड़ा, राइट। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा फ्रेज है, ऐसे लैंग्वेज में हमेशा यूज कीजिए, रन शॉर्ट ऑफ। रन शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है कमी हो जाना, रन शॉर्ट ऑफ का मतलब कमी हो जाना। इन दिनों हम देख पा रहे हैं कि कोरोना के दौरान हर व्यक्ति के घर में राशन की कमी हो रही है, हर व्यक्ति के घर में पैसे की कमी हो रही है, और जब कोरोना नहीं था तो समय की कमी थी, किसी के पास समय ही नहीं था काम करने के लिए, काम से हटके और पर्सनल कामों के लिए समय ही नहीं था, राइट। इन द सेम मैनर अगर हम बात करते हैं तो किसी भी चीज की कमी हो जाना, खत्म हो जाना, कम पड़ जाना को हम इंग्लिश में बोलते हैं रन शॉर्ट ऑफ। तो मुझे बताना मेरे पास कमी है समय की, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, क्या बोलेंगे, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। तो बोल दीजिए मेरे साथ, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, यस आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। तुम्हारे पास नहीं है तो यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, उसके पास नहीं है तो ही इज रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, मेरे पास नहीं, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। अगर मेरे पास इस समय दूध की कमी है, दूध कम हो गया, राइट, तो आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मिल्क, क्योंकि इन दिनों मिल्क नहीं आ रहा, दूध नहीं आ रहा, सो आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मिल्क। मेरे पास पैसे कमी है, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, राइट। मेरे पास मौके की कमी है, मेरे पास मौके नहीं है, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, राइट। सो मुझे बताना है कि कल क्या हुआ, मैं चाय बनाने बैठा और चाय बनाने बैठा चीनी कम पड़ गई। अब चीनी कम पड़ गई के बाद कहां के पास की है, तो हमारा जो idiom है वो क्या है, रन शॉर्ट ऑफ। सो आई यस्टरडे आई रन शॉर्ट ऑफ शुगर, यानी कल मुझे शुगर यानी चीनी की कमी पड़ गई, तो यस्टरडे आई रन का स्किन फॉर्म रन शॉर्ट ऑफ शुगर, राइट। कल मेरे पास समय की कमी पड़ गई, आई रन शॉर्ट ऑफ टाइम। तो आई होप आप समझ पाए होंगे, रन शॉर्ट ऑफ बड़ा ही इंटरेस्टिंग idiom है, राइट। एंड नेक्स्ट गो आफ्टर, गो आफ्टर जैसे पता चल पा रहा है, गो मतलब जाना, आफ्टर मतलब के पीछे, राइट। तो यहाँ के पीछे सेंस नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरी आदत है मेरे पिताजी से मिलती है, और मेरी दादी हमेशा ये कहती है कि ये अपने दादाजी पे गया है, ये अपने पिताजी पे गया है, राइट। इन द सेम वे आपने फैमिलीज के अंदर देखा होगा कि जब एक व्यक्ति की आदतें, उसका व्यवहार उनके परिवार की किसी सदस्य से मिलता है, राइट, तो हम क्या बोलते हैं, ये अपने दादा पे गया है, ये अपने पापा पे गया है। सो आई, अब मुझे बताना है मैं अपने फादर पे गया हूं, आई हैव गॉन आफ्टर माई फादर, आई हैव गॉन आफ्टर माई फादर, तुम अपने फादर पे गए, यू हैव गॉन आफ्टर योर फादर, वे अपने फादर पे गया, ही हैज गॉन आफ्टर हिज फादर, मैं अपने फादर पे गया हूं, आई हैव गॉन आफ्टर माई फादर, राइट। तो अगर हम परिवार में कभी किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी परिवार में जाते हैं, बोलते हैं यार ये तो अपने बिल्कुल पापा पे गया है ना, तो ही हैज गॉन आफ्टर हिज फादर, बोल दिए ही हैज गॉन आफ्टर हिज फादर, ही हैज गॉन आफ्टर हिज फादर, ही हैज गॉन आफ्टर हिज फादर, राइट, बोल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट आता है लॉन्ग फेस। आपने देखा होगा स्माइली में जो आता है वो गोल चेहरा आता है, और गोल चेहरा आता है, स्माइली फेस होता है, दैट मींस क्या है, खुश मिजाज है, बट चेहरा लंबा है, चेहरा लंबा है मतलब हम उदास हैं, किसी बात से परेशान है, हमारा चेहरा मुरझाया हुआ है, राइट।
सो वायर इज द लॉन्ग फेस, आप क्यों दुखी हो, क्यों परेशान हो? जब भी कोई व्यक्ति आपके आसपास में दिखे वो परेशान है तो आप उससे पूछ सकते हैं, व्हाई आर यू सो लॉन्ग फेस, आप इतने उदास, इतना परेशान, इतने हताश क्यों हो, व्हाई इज लॉन्ग फेस, राइट? सो यू हैव पुट लॉन्ग फेस, आपने अपना चेहरा मुरझाया हुआ रखा है, आप परेशान दिखते हो, राइट? व्हाई इज लॉन्ग फेस? नो नो नथिंग, इट्स जस्ट नथिंग, राइट? चलिए अगले आगे बात करते हैं, गेट रिड ऑफ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग फ्रेज है, गेट रिड ऑफ। कई बार क्या होता है कि हम लोग अपनी लाइफ में बहुत छोटी छोटी चीजों से परेशान हो जाते हैं, कई बार हमारे असिस्टेंट से हम परेशान हो जाते हैं, कई बार हमारे कोलीग से परेशान हो जाते हैं, कई बार हम अपनी फैमिली में अपनी वाइफ से परेशान हो जाते हैं, अपने मतलब सराउंडिंग में कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर से परेशान हो जाते हैं, राइट? और कई बार तो ऐसा होता है कि अब कोरोना के टाइम में तो हम कोरोना से परेशान हो गए। So, मुझे बताना है, मैं इस कोरोना से छुटकारा पाना चाहता हूं, हम सब लोग कोरोना से छुटकारा पाना चाहते हैं, हम सब लोग छुटकारा पाना चाहते हैं किसी न किसी चीज से, जिस चीज से भी हम छुटकारा पाना चाहते हैं वो आपके पास लगा देंगे। सो मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ कोरोना, मैं कोरोना से छुटकारा पाना चाहता हूं, राइट? मैं बड़ा तंग आ चुका हूं, मैं बड़ा परेशान आ चुका हूं ऑफलाइन क्लासेस से, सो आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ ऑफलाइन क्लासेस, मैं बड़ा परेशान आ चुका हूं वो पुराने तरीकों से, राइट? सो आई वॉन्ट टू गेट ऑफ ओल्ड मैथड्स, मैं बड़ा परेशान आ चुका हूं मेरी बाइक से, किक मारो स्टार्ट हो जाती है, थोड़ी चलती है बंद हो जाती है, बड़ा परेशान आ चुका हूं, सो आई वॉन्ट टू गेट ऑफ माई बाइक, तो मैं अपनी बाइक से छुटकारा पाना चाहता हूं, राइट? इन द सेम मैनर जब भी हम लाइफ में किसी चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो गेट ऑफ हमारा एक idiom है जिसे हम यूज कर सकते हैं। So I want to get it off, you want to get it off, he wants to get it off, he wants to get it off, she wants to get it off, I want to get it off, right? डैश करके जो भी चीज आप अप्लाई करेंगे। अगला आता है tit for tat, जैसे को तैसा। अगर मेरा फ्रेंड मेरे साथ एक व्यवहार करता है जो मुझे अच्छा ही लगता है और मैं भी उसके साथ वैसे ही व्यवहार करता हूं बदले में, तो वो क्या है? टेट फॉर टैट। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है और मैं भी बदले में अच्छा व्यवहार करता हूं, तो हम बोलते हैं जैसे को तैसा, अच्छा व्यवहार के बदले में अच्छा व्यवहार, बुरे व्यवहार के बदले में बुरे व्यवहार, राइट? तो आप हमेशा याद रखिए कि आप हमेशा लोगों से अच्छा व्यवहार कीजिए, अच्छा व्यवहार करेंगे तो लोग भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, टेट फॉर टैट, तो बोलिए टेट फॉर टैट, राइट? अगर आप किसी को सबक सिखाना चाहते हैं, किसी को लेसन सिखाना चाहते हैं, उसने आपके साथ किसी भी तरह का चीट किया है, तो आप चीट करने के बाद बोल सकते हैं टिट फॉर टैट, ऐसा दुनिया में होता है, जैसे को तैसा, राइट? सो इट्स अ थंब रूल। नेक्स्ट, नॉट माय कप ऑफ टी, तो नॉट माय कप ऑफ टी का मतलब हो गया ये मेरे इंटरेस्ट की बात नहीं है, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आज ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, इससे पहले ऑफलाइन पढ़ा रहा था, राइट? अब कोई नया टेक्नोलॉजी आएगी तो मैं उस पर पढ़ाऊंगा, राइट? वही मैंने कई सारे टीचर से बात किया, मैंने कहा सर अब आप ऑनलाइन में आ जाइए, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं वो मेरे बस की बात नहीं है, मेरा इंटरेस्टिंग एरिया नहीं है, हाँ मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाऊंगा, है ना? इन द सेम मैनर इस दुनिया में हर आदमी हर काम नहीं कर सकता, राइट? एक आदमी टीचिंग कर रहा है तो एक आदमी डॉक्टर है, एक आदमी इंजीनियर है, इन द सेम मैनर अलग अलग प्रोफेशन में, तो हर आदमी हर एक काम नहीं कर सकता। जब हम उस व्यक्ति को ये बोलें कि भाई तू ये वाला काम कर ले, तो वो क्या बोलेगा कि मेरे इंटरेस्ट का काम नहीं है, ये मेरे इंटरेस्ट का काम नहीं है, तो क्या बोलेगा, इट इज नॉट माय कप ऑफ टी, तो बोलिए इट इज नॉट, सो इट्स नॉट, से इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, यानी ये मेरे इंटरेस्ट की बात नहीं है, राइट? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट पर बहुत ही इंटरेस्टिंग इडियम्स है हमारे बीच में, हम बोलते हैं कि उसने मुझे गाली दी और मैंने उसे जड़ दिया, या उसने मुझसे ऐसा कहा, या उसने मुझसे ऐसा कहा और लड़ाई हो गई। तो बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि गलती कभी एक तरफ से नहीं होती, गलती दोनों ही तरफ से होती है, राइट? तुमने कुछ कहा होगा, तुमने कुछ कहा होगा, तुमने कुछ कहा होगा, तुमने कुछ कहा होगा, ऐसा बोलते नहीं बोलते, यस ऐसा बोलते हैं। तो उस कंडीशन में आपको याद रखना है कि जो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, और इसके लिए जो इंग्लिश में फ्रेजेस हैं, वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट कई सारे फ्रेजेस हम यूज कर सकते हैं, बट ब्रिटिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो इंटरनेशनली बोला जाने वाला इडियम है वो क्या है, टू टू टैंगो, क्या है, टू टू टैंगो। अब टू टू टैंगो मतलब ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, यानी ताली बजाने के लिए हमें हमेशा दो हाथ चाहिए, राइट? अब टैंगो क्या है,
टैंगो एक डांस है जिसमें दो डंडों पे खड़ा होके उनके साथ डांस किया जाता है, राइट। वहां से ये ओरिजिन हुआ है, जनरेट हुआ है, राइट। तो ऐसे हम कहां से हुआ है वो सारी बातों को छोड़ के एक बार आ जाते हैं वापस से। इट टेक्स टू डू टैंगो। तो जब भी कभी ऐसी बात चलती है कि देखो ताली साथ एक हाथ से नहीं बजती, ताली तो दो हाथ से बजती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। इट टेक्स टू डू टैंगो, यानी गलती अगर आपकी भी हो तो गलती आपकी भी होगी, गलती कभी एक तरफ से नहीं होती। इट टेक्स टू डू टैंगो, इट टेक्स टू डू टैंगो, इट टेक्स टू डू टैंगो, इट टेक्स टू डू टैंगो। गलती कभी एक तरफ से नहीं होती, यानी ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपने ये सारे इडियम फ्रेजेस को बड़े अच्छे से सीखा समझा एंड इसे अपनी लैंग्वेज में शामिल करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया ये थंब रूल है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अगर आप इडियम्स के यूज करते हैं तो वो एक इंप्रेसिव इंग्लिश बन जाती है। इसको आप लोग जब भी राइटिंग करेंगे तो उसमें यूज कीजिए, बातचीत करेंगे तो उसमें यूज कीजिए, एंड ये आपको एक अच्छी पहचान दिलाने में आपकी हेल्प करेगा, राइट। सो थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमने वोकैब की सीरीज स्टार्ट कर दी, साथ में हम कुछ और स्ट्रक्चर्स पे भी बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय, टेक केयर।